यहाँ पे इस सिंगल रोड पे आई है सामने से फोर व्हीलर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि कल आपने मेरे व्लॉग में देखा कि हमारी गाड़ी वापस आ गई है। गाड़ी के वापस आने की खुशी जितनी हमें न्यू गाड़ी हमने खरीदी थी उस दिन थी, उतनी ही मुझे और भाई को कल थी। भाई कुछ ज़्यादा ही खुश थे, थोड़े इमोशनल भी थे कि यार मतलब नई गाड़ी को ठोकने के बाद, इतने दिनों के बाद वो एजेंसी से वापस आई, तो वो काफ़ी इमोशनल हो गए थे कल। मुझे कह भी रहे थे, मैंने कहा होता रहता है, अब क्या कर सकते हैं, रोड पे चलेगी तो ऐसा भी होगा। उनसे हुआ, मेरे से भी हो सकता था, कुछ नहीं कह सकता कि किसी से किससे होगा और किससे नहीं। तो अभी मैं जा रहा हूँ डॉक्टर साहब के पास, क्योंकि मेरे गले का दर्द कल जैसा था वैसा का वैसा अभी है, पता नहीं हुआ क्या है। तो मम्मी को मैंने बताया, मम्मी ने कहा एक बार चेक करवा दो डॉक्टर से। तो गाँव में जो डॉक्टर साहब हैं मैं उनके पास जा रहा हूँ, वो इंजेक्शन लगाएंगे या टेबलेट देंगे, जा रहा हूँ अभी वहाँ। भाई हो रहे हैं तैयार, तब तक मैं डॉक्टर साहब के पास जाके आ जाता हूँ। तो गाइज, डॉक्टर साहब ने दिए मुझे दो टेबलेट, चार टाइम के लिए टेबलेट दिए। बोला चार टाइम में आपके सही हो जाएगा, मतलब दो दिन में गला का दर्द सही हो जाएगा, दो दिन तक इस गले के दर्द को झेलना पड़ेगा। तो अभी तो मैं आ गया हूँ, अब नहा लेते हैं और पूजा करेंगे और खाना खाएंगे, भूख लगी है ज़ोरदार मुझे तो। तो अभी मैं नहा चुका हूँ और खाना खा लिया है, पूजा कर ली है मैंने। मम्मी गई है टीकाकरण पे, आज गुरुवार है तो गुरुवार को टीकाकरण होता है, तो मम्मी गई है काम पे। मैं आज घर पे ही हूँ क्योंकि मम्मी ने मुझे कुछ लिस्ट दी है, कुछ लोगों को इनवाइट करना है यहाँ पे गाँव में, उसको बुलावा कहते हैं, तो बुलावा देने जाना है। कल मायरे में जो भी हम दे रहे हैं हमारी तरफ से बुआ को, वो चीज़ यहाँ के जो भी हमारे मिलने वाले लोग हैं उन सबको दिखाएंगे, तो उसके लिए वो सब लोग देखने आए, इस वजह से उनको बुलावा देने जाना है। तो मम्मी मुझे कह के गई है कि सबको इनवाइट करना है, जो लिस्ट दे के गई है उन सब लोगों के घर पे जाऊंगा मैं, उनको इनवाइट करूंगा कि भाई आप हमारे घर पे कल आइए बजे और वो सारी चीज़ें देखिए जो हम देंगे बुआ को, उन्हीं में इनवाइट करेंगे कि मायरे में जाने वाले हैं जो साथ में हम सब लोगों को लेके जाएंगे, तो उन सबको इन्वाइट भी करना है। तो भाई लेके गए हैं बाइक, तो मैं जाऊंगा मौसा जी के पास उनकी बाइक लेके सबको इनवाइट करने के लिए। तो अभी जाता हूँ मौसा जी से, बाइक मांगता हूँ और सबको इनवाइट करके आते हैं। तो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ बुआ के घर पे, जो बुआ के घर पे हम लोग मायरा लेके आएंगे वहीं पर मैं आ गया हूँ। हुआ कुछ ऐसा था कि मम्मी जैसे ही ड्यूटी कम्प्लीट करके घर पर आई थी तो मैं घर पर ही बैठा था, तो मम्मी ने कहा आज अगर तू यहीं पर है तो अपन एक बार बुआ के घर पर हो आते हैं, क्योंकि आज मेरे भाई की जो बुआ का लड़का है उनके हल्दी लगने वाली है, हल्दी की रस्म है। तो मम्मी ने कहा चलो इसी बहाने एक बार पहले चल के आते हैं और हल्दी की रस्म में भी हम लोग अटेंड कर पाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो, गाड़ी भी है और मैं भी घर पे फ्री बैठा हूँ तो चलते हैं फिर अपन। तो इस वजह से हम लोग वहाँ से जल्दी जितना जल्दी हो सके हम लोग वहाँ से निकले और फास्ट में आगे बुआ के घर पे। वहाँ से आने में हमें लग गए 2 घंटे से भी ज़्यादा टाइम। तो मैं ड्राइव कर रहा था और मम्मी थी साथ में, भाई थे नहीं, तो कोई वीडियो बनाने वाला था नहीं, इस वजह से मैंने कहा कि चलो वहाँ पहुँच गए आपको बताया जाए कि हम लोग यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पर है ठंड बहुत ज़्यादा, इस वजह से मैं जैकेट पहन के घूम रहा हूँ। और हम लोग यहाँ पर आए हैं, मम्मी आए, नीचे सारी औरतें गीत गा रही है तो वहाँ पर बैठी है, भाई को हल्दी लग रही है तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी नीचे जाके कि भाई को हल्दी लग रही है। और यहाँ पर हल्दी की रस्म करने के बाद कैसे रगड़ रगड़ के हल्दी लगाते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और हम लोग अब वापस यहाँ से पता नहीं कितने बजे जा पाएंगे, नाइट हो जाएगी या फिर शाम, इसी मौसम में हम लोग निकल जाएंगे मुझे पता नहीं है इस बारे में। तो चलते हैं पहले हल्दी देखते हैं, निकलने की तो देखी जाएगी, रात को भी जा सकते हैं। क्योंकि हो जाते हम बहुत ज्यादा लेट उसके चक्कर में, वजह से हमने पहले ही निकलने का फैसला कर लिया। बुआ से बोला, फूफा जी को बोला तो उन्होंने कहा ठीक है आप लोग निकल सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि और कोई है नहीं भाई वगैरह साथ में, तो मम्मी से ही वीडियो बनवा रहा हूँ मैं, मम्मी ही हाथ में पकड़ के वीडियो बना रही और मैं बोल रहा हूँ। तो गाइज, अभी हम लोग ये 4-5 किलोमीटर का इतना ऐसा कच्चा रास्ता है, उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे घर पे, लेकिन ये 5-6 किलोमीटर का ऐसा रास्ता हमें पार करना पड़ेगा
जो कि मुश्किल से 10 से 15 की स्पीड पे पार होगा। कई लोग तो इसको ऑफ रोडिंग कहेंगे। अब यहाँ पे इस सिंगल रोड पे आई है सामने से फोर व्हीलर, कैसे निकलेगी यहाँ दबा लेता हूँ। ये तो बोलेरो है भाई साहब, बोलेरो तो निकल जाती है फुर फुर करके, इन कच्चे रास्तों में बोलेरो कहाँ गिन पाती है। गाइज मैं और मम्मी हम लोग आ गए हैं वापस घर पे। मैंने कर लिया है चेंज क्योंकि थक गए थे काफ़ी। मम्मी तो इतनी थक गई है कि सो गई है, तो मम्मी सो गई है, मैं भी बहुत थक गया हूँ। खाना वहीं से खा के आए थे और जल्दी से निकल गए, तो अभी मैं बैठा हूँ, सब लोग सो रहे हैं, तो मैं करने जाऊँ लगूँगा अब एडिटिंग। इस वजह से मैं अभी भी बैठा हुआ हूँ, यहीं पे करूँगा एडिटिंग बैठ के। तो कैसा लगा आपको आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और भी मैं अपने व्लॉग में कुछ नया कर सकूँ ये चीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। जो आपको पसंद आए वैसा मैं कुछ कर सकूँ ये चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।